अभी सब्सक्राइब कीजिए माई टेक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आप तक पहुंचा सकें लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंडर शेयर के डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप विजिट करते हैं बंडर शेयर की डेटा रिकवरी साइट पे, तो वहां पे चल रहा है एक गिव वे, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और अगर विनर होते हैं तो फिर आप 128GB SD कार्ड को जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो करके आप यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें छोटा सा सर्वे है, आप उस सर्वे को कंप्लीट करिए और अगर आप विन हो जाते हैं तो फिर आप जीत सकते हैं 128GB SD कार्ड। सो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, अगर हमारा SD कार्ड ही डिलीट हो जाता है या फिर फॉर्मेट हो जाता है या फिर हमारे कंप्यूटर में से कोई पार्टीशन डिलीट हो जाता है या फिर फॉर्मेट हो जाता है, तो उसको रिकवर करने के लिए हम वंडरशेयर के डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने SD कार्ड या फिर किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज के डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो फिलहाल तो आज के इस वीडियो में आपको केवल मेमोरी कार्ड के डेटा को फॉर्मेट करके या फिर उसे डिलीट करके उसके डेटा को रिकवर करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में और स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो फिर देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली वंडरशेयर की डेटा रिकवरी जो साइट है इस पे आके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ और अपने कंप्यूटर में भी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो मैं चलिए इसको ओपन कर लेता हूं और आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से हम अपने किसी भी डिलीटेड फाइल्स को कैसे रिकवर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर हमें डेटा रिकवरी जो सॉफ्टवेयर है उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो यहां पर हम अपने फोटोज को रिकवर कर सकते हैं, ऑडियो को रिकवर कर सकते हैं, वीडियो को रिकवर कर सकते हैं, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट एंड अदर्स में भी कुछ है, तो हम इन सभी चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। अब वो चाहे हमारे किसी SD कार्ड में हो, पेन ड्राइव में हो या फिर हमारे कंप्यूटर के खुद के किसी पार्टीशन में हो, तो कुछ भी हो, हम उस डिलीटेड फाइल को अपने इस सॉफ्टवेयर की मदद से रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक SD कार्ड, उसको फॉर्मेट कर लेते हैं और उसमें कुछ डेटा को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद उस डेटा को डिलीट करके उसे रिकवर करके देखते हैं। तो इस SD कार्ड को फॉर्मेट कर लेते हैं। और अब हम इस SD कार्ड में कुछ फोटोज को कॉपी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हम ऑडियो वीडियो सभी को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल आपको एक डेमो के लिए कुछ फोटोज को डिलीट करके उसके बाद उसे रिकवर करके दिखा देता हूं। तो यहां से मैं कुछ फोटोज को ले लेता हूं और इसको कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे 10 फोटोज आ चुके हैं। तो चलिए इन फोटोज को अब मैं डिलीट कर देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इन फोटोज़ को डिलीट कर दिया है। अब चलते हैं हम अपने डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर पे और यहाँ से अपने फोटोज़ को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम अपने SD कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से SD कार्ड मेरा ये है, इस पर सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से, और इसको अब यहाँ से स्कैन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर केवल 10 फोटोज़ को डिलीट किया तो इस वजह से यहाँ पर मेरा डेटा बहुत ही जल्दी रिकवर हो चुका है। इसके अलावा अगर डेटा ज़्यादा होता तो उसमें थोड़ा टाइम लगता। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डीप रिकवरी का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका डेटा रिकवर ऐसे नहीं होता है तो आप डीप स्कैन पे क्लिक करके भी अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिलहाल मेरा डेटा तो केवल क्विक स्कैन में ही आ चुका है, तो यहाँ से इसको ओके कर देते हैं और यहाँ से अपने फोटोज़ को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सारे फोटोज़ ये दिखा रहा है। तो बस अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ से रिकवर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से हम अपने स्टोरेज को चूज़ करेंगे जिसमें भी हमें अपने डेटा को रिकवर करना है। तो फिलहाल तो मैं अपने SD कार्ड को ही चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर रिकवर पे क्लिक कर देता हूँ। और अब यहाँ पर मेरा डेटा जो है वो रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये कुछ ही देर में मेरा डेटा रिकवर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा डेटा रिकवर हो चुका है। अब इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि अब वाकई मेरा डेटा रिकवर हो चुका है या नहीं। तो इस पर ओके कर देते हैं और चलते हैं अपनी मेमोरी कार्ड में और SD कार्ड में भी डेटा रिकवरी का एक फोल्डर बन चुका है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सारे फोटो ही रिकवर हो चुके हैं। तो इस तरह से हम अपने किसी भी डेटा को रिकवर कर सकते हैं जो कि डिलीट हो चुका है। ये तो मैंने केवल फोटो ही डिलीट करके देखे थे, आप चाहें तो ऑडियो वीडियो या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को भी रिकवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।